दोस्तों, माय नेम इज़ प्रियंका शर्मा। और गाइज यार, मैं सुबह लाइव आई थी अतीक अहमद के केस के ऊपर। तो गाइज, कंसारी मंसारी जो कब्रिस्तान है उसमें 24 घंटे पहले अशद अहमद, अतीक अहमद के बेटे की मतलब एनकाउंटर में मौत हुई। तो भाई उसको वहीं कंसारी मंसारी कब्रिस्तान में 24 घंटे पहले वहां पे उसको दफनाया गया। और ठीक 24 घंटे बाद गाइज बेटे के बगल में ही उसके अब्बा जान जैन देन चाचा जान दोनों की कब्र भी वहीं बनाई गई है। और वहीं पे ही हाजी फिरोज अहमद जो उनके फादर थे अतीक अहमद के, उनकी कब्र भी वहीं है। उनकी माँ है सुल्ताना बेगम, उनकी कब्र भी वहाँ है। तो गाइस, जैसा इंसान बोता है वही काटता है। तो उसने सन 1979 में सबसे पहले कत्ल किया था और 17 साल की उसकी उम्र थी। उसने चांद बाबा को मार के, और भाई वो माफिया डॉन बना, और पॉलिटिक्स वालों ने भी उसको ऊपर बढ़ने में हेल्प की, और उस हेल्प की वजह से उसका कद इतना बढ़ गया कि वो ना तो पॉलिटिशियन को और ना पुलिस को वो कुछ भी नहीं समझता था। 102 केस उसके ऊपर दर्ज थे। तो गाइज, जैसे उसने चांद बाबा को मारा, वैसे ही आज 3 लड़कों ने उनको पुलिस, मीडिया और बाकी के लोग उनके सामने, उन 3 लड़कों ने भाई डॉन बनने के लिए इनको मार दिया। तो गाइज, यूथ कहाँ जा रहा है? तो भाई अतीक अहमद ने चांद बाबा को मारा ऐसे ही शरेआम, और आज अतीक अहमद और उसके भाई को ऐसे ही शरेआम मार दिया गया। तो गाइज, इसे बोलते हैं जैसा बोओगे वैसा काटोगे। थैंक यू गाइज।